दोस्तों, अगर आप किसी बैंक में या फिर फाइनेंस कंपनी में यानी कि NBFC में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल, जो कि आपसे मांगी जाती है बैंक की तरफ से अगर आपको लोन चाहिए। लोन किसी भी टाइप का हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, आपको होम लोन लेना है उसके लिए हो सकता है, अपने या फिर पर्सनल लोन लेना है, कोई भी टाइप का लोन आपको चाहिए तो उसके लिए ITR आपसे मांगी जाती है। अब वो कोई बैंक आपसे 2 साल की मांगता है, कोई बैंक आपसे 3 साल की भी मांगता है। तो अगर आपके पास ITR नहीं है तो बहुत ही कम चांस हो जाते हैं आपको बैंक की तरफ से लोन मिलेगा, या फिर मिल भी जाता है तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी सारे लोगों को इमरजेंसी आ जाती है, ITR फाइल होती नहीं है, तो फिर वो प्ले स्टोर पर जाके आलतू फालतू ऐप सर्च करते हैं, वहाँ से वो 15-20-30 हज़ार रुपये का लोन ले लेते हैं। ऐसी गलती ना करें, आपको ITR फाइल कर लेनी चाहिए, जिससे इमरजेंसी कभी भी आ जाती है तो बैंक आपको आसानी से कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोन प्रोवाइड कर देगा। बाकी कंपेयर टू जो आप ऐप से लोन लेते हैं, वहाँ पे आपको 30-40% तक का इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। वहीं अगर आपके पास 2 या 3 साल की ITR होगी, ITR आप खुद से फाइल कर सकते हैं, कोई भी पैसा नहीं लगता है। जानेंगे इस वीडियो में कैसे आप ITR फाइल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर बैठे। अगर आपको हमारे थ्रू ITR फाइल करवानी है तो उसकी कुछ फीस रहेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप अपनी सर्विस बुक कर सकते हैं। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होएगा, आपके ऊपर। अगर आपको बिजनेस के लिए ITR फाइल करवानी है तो ITR 4 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, अगर आपको सैलरी के लिए या फिर निल ITR फाइल करवानी है तो ITR 1 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप बुक कर सकते हैं। तो अपन जानते हैं कैसे आप दोनों तरीके से ITR फाइल कर सकते हैं, अपन दोनों की जानेंगे। अगर आप सैलरी है यानी कि आपकी सैलरी कम है, मान लेते हैं 20-30 हज़ार रुपये आपको अपनी कंपनी की तरफ से, आप कहीं पे जॉब करते हैं जो आपको कैश में ही पेमेंट दे देता है, तो उसके लिए भी अपन जान लेंगे कैसे आप ITR फाइल कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई टैक्स वैक्स नहीं काटा जाता है, आपको जितना पैसा होता है वो पूरा दे दिया जाता है, तो उसकी ITR भी जानेंगे सैलरी तरीके से। और अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसके लिए भी अपन ITR जानेंगे कैसे आप फाइल कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, जैसे कि आप लॉयर हैं, अकाउंटेंट है, किसी भी टाइप की आप सर्विस देते हैं जिसमें कोई सामान आप नहीं बेचते हैं, तो उसकी भी अपन ITR जानेंगे। उसको भी बिजनेस ही माना जाता है, उसको प्रोफेशन बोला जाता है, उसकी ITR कैसे फाइल कर सकते हैं इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के साथ साथ भी आप फाइल कर सकते हैं, या फिर पहले एक बार वीडियो पूरा देख ले, दूसरी बार अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को साथ साथ चला के अपनी ITR फाइल कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, इनकम टैक्स लॉगिन सर्च करना है, ये वेबसाइट आएगी ऊपर ऊपर, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस वेबसाइट पे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करके कैसे अकाउंट बनाते हैं, फर्स्ट टाइम के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाएगा। पहले पहले पैन कार्ड नंबर डालना है, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक ईमेल आईडी लगेगा, एक मोबाइल नंबर लगेगा, आधार पैन आपका लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड से आपका मोबाइल भी लिंक होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। उसी के साथ साथ आपका जो बैंक अकाउंट है उसका नंबर आपके पास होना चाहिए और उसका IFSC कोड होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो आपका अकाउंट ईजिली बन जाएगा और अपनी ITR भी आप फाइल कर लेंगे। तो यहां पर आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। कैसे क्रिएट करना है आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो दूसरा वीडियो हमने बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके कर सकते हैं। अकाउंट बन गया, पैन कार्ड नंबर जो है वो आपका ID रहेगा, उसके साथ आपको पासवर्ड सेट कर लेना है। अकाउंट बनने के बाद में आपको दोबारा इस पेज पे आना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है। तो जल्दी से अपन इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर आपको सबसे पहले होम पेज पे ऑप्शन मिल जाएगा फाइल नाउ का, यहाँ पर क्लिक करके आप फाइल कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता है, ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ये कंफर्म करके ये पेज ओपन हो जाएगा, इसको कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पर आपको ओपन करना है असेसमेंट ईयर में, आपको ये जाना है 24-25 की ITR फाइल हो रही है, जिसको कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 भी बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 को ही असेसमेंट ईयर 24-25 बोलते हैं। HTML में व्यू करेंगे तो आपके सामने ये देखेंगे TDS की डिटेल आ जाएगी। अगर यहाँ पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है ना, तो वो डिटेल आपको ITR में डालना बहुत ज़रूरी है, यानी कि किस कंपनी ने आपका TDS काटा है। तो देखिए यहाँ पर एक केस है, 3,000 रुपये एक कंपनी ने TDS काटा है, तो ये डिटेल आपको ITR में देना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिटेल जिस कंपनी ने आपका TDS काटा है उसने ऑलरेडी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है। अगर आपके केस में कुछ भी नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, अगर है TDS तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं हो कि आपके वहाँ पे कोई डिटेल दिख रही है और आपने उसको मिस कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपको AIS के अंदर भी देख लेना है, कोई डिटेल दिख रही है AIS में भी वही डिटेल दिखेगी जहाँ से आपका TDS वगैरह कटा है, कोई बिजनेस का आपका TDS कटा है,
नहीं है तो आप इसको आगे बढ़ जाएंगे। अब अपन करते हैं फाइल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक। सबसे ऊपर वाला ईयर आपको सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन तरीके से अपन फाइल करेंगे, कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ITR 1, 2 और 4। 3 का ऑप्शन अभी इनेबल नहीं हुआ है। अपन बात करेंगे कैसे 1 और 4 दोनों इस वीडियो में ही अपन जान लेंगे, क्योंकि 1 के अंदर जो ऑप्शन होते हैं वो 4 के अंदर भी होते हैं और 4 के अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं। अगर किसी की सैलरी से इनकम है तो उसके लिए 1 वाला ऑप्शन है, अगर किसी की बिजनेस इनकम है तो उसके लिए 4 वाला है। सैलरी और बिजनेस दोनों है तो 4 वाला है, तो अपन 4 वाला समझते हैं, 1 वाला ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपका। अगर सिर्फ सैलरी है, बिजनेस नहीं है, तो 1 वाला सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर अपने को लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से भी कम है तो आपको ये वाला ऑप्शन लास्ट अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए इसको हटाते हैं। यहाँ पर अब देखिए आपके सामने रिटर्न की समरी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप, केवल 6 स्टेप है और आपकी ITR फाइल हो जाएगी। तो लाइन से सारे स्टेप आपको कवर करने पड़ेंगे। पहले स्टेप पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो आपने अकाउंट बनाया होगा उस टाइम पे आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली वो यहाँ पर दिखाएगा। चेंज आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है। नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये सेलेक्ट करें, स्टेट गवर्नमेंट है तो ये सेलेक्ट करें, पेंशनर है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। कुछ भी नहीं है आपका, प्राइवेट एम्प्लॉई है तो आप यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई एम्प्लॉई नहीं है, आप बिजनेस करते हैं, तो भी आप अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे फाइलिंग सेक्शन में आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, वेदर दिस रिटर्न इज़ फाइल्ड बाई अ रिप्रेजेंटेटिव SSE, तो इसमें नो कर देना है, आपको खुद आप फाइल कर रहे हैं। इसके नीचे यहाँ पर बैंक डिटेल दिखाएगा, आपको बताया जैसा कि बैंक आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर अगर आपने बैंक स्टार्टिंग में ऐड नहीं किया, ऐड अनदर पे क्लिक करके आपको चार डिटेल डालनी पड़ेगी। अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और IFSC कोड डालना है और अकाउंट नंबर डालना है। ये चार डिटेल डालेंगे आपका बैंक हो जाएगा ऐड, यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा बैंक होएगा दूसरा आ जाएगा, तीन होएंगे तीन, चार जितने बैंक है सारे यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, सारे बैंक आपके यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद में आपको कन्फर्म कर देना है। ये पहला स्टेप हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला कम्प्लीट। इसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम का ऑप्शन आएगा, इस पर जाना है। इस पर जाएंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, ITR फाइल कर रहे हैं अपन, नील ITR फाइल कर रहे हैं, 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए तक भी आप ITR फाइल करेंगे ना, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें अपने को कोई भी डिडक्शन वगैरह नहीं लेनी है, स्किप करेंगे अपन और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए सैलरी की बात करते हैं। अब अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉई हैं, जैसे कि आपको बताया आपको कैश में ही पैसा मिल जाता है जो भी है, तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी डाल देनी है। लेट्स से अपन क्या करते हैं, सैलरी बता देते हैं अपनी 3,50,000 रुपये। तो 3,50,000 अपनी सैलरी आ गई, और कुछ नहीं डालेंगे अपन, अपने को कैश में मिलता है हर महीने जितना भी पैसा, देखिए 25,000-30,000 रुपये बनता है। अगर आपको ऐसे मिलती है सैलरी या फिर बिना कोई भी TDS वगैरह के, तो आपको डायरेक्ट डाल देनी, और आपको कोई बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता। चले इसको कंप्लीट करके सेव पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए सैलरी में से आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो अपन ने 3.5 लाख डाला तो डिडक्शन मिल गई, अपनी टैक्सेबल सैलरी 3 लाख रुपये हो गई। 7 लाख रुपये तक इनकम टैक्स फ्री है, तो अपन 7 लाख रुपये की ही ITR फाइल करेंगे। उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कोई इनकम है तो आप डाल सकते हैं, अपन इसको एक बार स्किप करते हैं इस वीडियो के लिए। बिजनेस और प्रोफेशन, अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए बिजनेस में क्या होता है, आपका कोई छोटा बिजनेस है जहाँ पे आप सामान बेचते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप जितने का भी माल बेच रहे हैं ना साल भर में, उसमें आपको अकाउंट वगैरह मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका छोटा बिजनेस है, आप साल भर में 2 करोड़ तक का सामान बेचते हैं, 2 करोड़ यानी कि महीने की वो माल बेचने पे हो जाता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो सकता है, तो गवर्नमेंट बोलती है आप 6% अपना प्रॉफिट बता दो। अगर आपने पैसा ऑनलाइन लिया है, अगर आपने पैसा कैश में लिया है, तो 8% उसका प्रॉफिट बता दो। यानी कि आपने क्या किया, पूरे साल भर में 50 लाख रुपये का माल बेचा, 50 लाख रुपये का सामान बेचने पर आपको 8% उसका प्रॉफिट दिखाना है। 50 लाख का 8% हो गया 4 लाख रुपए, तो आपको 4 लाख रुपए प्रॉफिट कम से कम दिखाना पड़ेगा। अगर वो ऑनलाइन तरीके से पैसा आ रहा है तो वो आपको 6% ही यानी कि 3 लाख रुपए ही प्रॉफिट कम से कम दिखाना पड़ेगा। ये कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे आपको नाम डाल देना है बिजनेस का, कोई बिजनेस का दुकान है छोटी तो उसका दुकान का नाम डाल दो, नहीं है दुकान तो जो अकाउंट होल्डर का नाम है जिसके नाम से अपन ITR फाइल कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल दो। और बिजनेस आपको सेलेक्ट कर लेना है किस टाइप का बिजनेस है, जैसे कि देखिए चाय बनाने से रिलेटेड है बिजनेस, रबर बनाने से रिलेटेड है, रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जिस टाइप का आपका बिजनेस जिसमें आपको फिट लग रहा है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। देखिए यहाँ पर आप नीचे जैसे जैसे जाएंगे फिश फार्मिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लगभग जितने भी ऑप्शन होते हैं बिजनेस से रिलेटेड।
माइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, नमक से रिलेटेड कोई बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस हो, फुटवेयर से रिलेटेड बिजनेस हो, आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना, आपका बिजनेस किसी ना किसी पॉइंट में फिट होएगा। वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद भी अपन देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, तो अपन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अपन बिजनेस का नाम डाल देते हैं, ये अपन ने बिजनेस का नाम डाल दिया। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, अपन को यहाँ पर बिजनेस की सेल्स बतानी है, कैश में हुई है जो, या फिर ऑनलाइन तरीके से हुई है। यहाँ पे अपने को कैश वाला ऑप्शन डालना है, ऊपर वाले ऑप्शन में अपने को ऑनलाइन डालना है। तो अपन ऑनलाइन की 10 लाख की सेल दिखा देते हैं। ये देखिए 10 लाख की सेल अपन ने ऑनलाइन दिखाई और 10 लाख की ही अपन ने सेल कैश में दिखा दी। ये क्या हो गया, 20 लाख की आपकी सेल हो गई। अब 10 लाख पे ऊपर वाले पे आपको 6% प्रॉफिट कम से कम दिखाना होगा, यानी कि 60,000 रुपये आपको प्रॉफिट दिखाना होगा। अगर अपन क्या करते हैं 58,000 प्रॉफिट दिखाएंगे ना, तो ये देखिए एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर आ गया, कम से कम 6% दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं 60,000 का अपना प्रॉफिट डाल देते हैं, 60,000 ये प्रॉफिट हो गया। और नीचे वाले केस में 80,000 प्रॉफिट आपको 8% दिखाना होगा, ये 80,000 ये प्रॉफिट हो गया। टोटल 140,000 हो गया अपना बिजनेस इनकम का, बिजनेस इनकम आ गया। ये देखेंगे आप यहाँ पर बिजनेस इनकम 140। अब देखिए ये तो हो गया बिजनेस का, इसमें एक प्रोफेशन का भी ऑप्शन था, ये प्रोफेशन वाला, इस पे आएंगे। यहाँ पर क्या है, वो सर्विस रिलेटेड बिजनेस है। यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, डेटा प्रोसेसिंग, इसी से रिलेटेड फिल्म आर्टिस्ट, जनरल हॉस्पिटल, मेडिकल प्रोफेशन, आयुर्वेदा प्रैक्टिस, होम्योपैथी प्रैक्टिस। तो होम्योपैथी प्रैक्टिस में अपन अगर आप बिजनेस डालते हैं, यहाँ पर आपको नाम डाल देना है जो भी आपका नाम है बिजनेस का, नहीं है तो आप खुद का नाम डाल के इसको सेव कर सकते हैं। ये अपना एक और बिजनेस क्रिएट हो गया। इस केस में आपको 50% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अलग अलग है, बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन तरीके से आया जाए, कैश में पैसा आया, 50% आपको कम से कम दिखाना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, कैश में अपन बताते हैं यहाँ पर अपना 5 लाख रुपये आया। अब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले इस लास्ट ऑप्शन में अपने को 2.5 लाख रुपए कम से कम डालना पड़ेगा। 2.5 लाख अपन ने डाल दिया, ये देखिए एक्सेप्ट हो गया, सेव कर दिया। 2.5 लाख रुपए अपना यहाँ से प्रॉफिट हुआ, उसी के साथ 140 यहाँ से प्रॉफिट हुआ, 3 लाख अपना सैलरी से हुआ। अब अगर आपका सैलरी नहीं है तो इस पॉइंट को हटा दो, अगर आपका बिजनेस नहीं है तो ये वाला पॉइंट आप हटा दो, ITR 1 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, उसमें ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, उसमें केवल ये आपको डालना है। दोनों अपन ने कवर कर दिया, 1 भी कैसे फाइल करनी है, 4 भी कैसे फाइल करनी है, बस इतना सा काम है। इसके अलावा अदर सोर्सेस में आपको जाना है, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट से कोई इंटरेस्ट आता है तो वो आपको डाल देना है। सेविंग बैंक अकाउंट आपका जिस भी बैंक में होगा, साल में 4 बार बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, कोई कोई बैंक आजकल मंथली भी देता है, तो आपको इंटरेस्ट देख लेना है। कम अमाउंट नहीं डालना है आपको, अगर 1200 रुपये इंटरेस्ट मिला है ना, 1200 पूरा सही डालो या फिर 2 रुपये ज़्यादा ही डाल दो। अपन यहाँ पे 1500 रुपये डाल देते हैं ज़्यादा ही, कम डालेंगे तो दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा सेविंग का FD से कोई इंटरेस्ट आया है, उसी के अलावा ITR रिफंड ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा इसको, और आप देख सकते हैं कोई फैमिली पेंशन आपको मिली है, फैमिली मेंबर की आपके अकाउंट में पेंशन आई है तो वो आपको यहाँ डालना है, नहीं आई है तो नो करके, आपको डिविडेंट इनकम है तो डिविडेंट इनकम डाल देंगे, नहीं है तो अपन को बस कंटिन्यू कर देना है। इसके अलावा आपको कोई भी डिटेल नहीं डालनी है, सारी डिटेल अपन ने डाल दी, सब कुछ हो गया। अपनी इनकम कितनी आई, 6,91,500, जैसा कि आपको बताया 7 लाख रुपये तक टैक्स फ्री है। अभी अपन देखते हैं कितना अपना टैक्स बनता है। ये देखेंगे आप नीचे वाले ऑप्शन में डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। कोई आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है पहला। अब देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टार बना हुआ है ना, वो डिटेल आपको डालनी जरूरी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब ये क्या होता है, वो ऐसे लोग जिनको आपको पैसा देना है, आपने उनसे सामान तो खरीद लिया, आपने पैसा नहीं दिया, आपके उधारे हैं तो आपको पैसा देना है, तो यहाँ पर वो आएंगे क्रेडिटर, और डेटर वो आएंगे जिनको आपसे पैसा लेना है, वो आपके फायदे का है, ये आपकी एसेट हो जाती है, ये आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। तो वो जो डिटेल है वो यहाँ पे डालेंगे, नहीं है 0-0 डाल दीजिए, जिस पे स्टार लगा हुआ है उस पे 0 जरूर से डालिए, अगर 0 नहीं डालेंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इन्वेंट्री में भी 0, इसमें भी 0, कैश इन हैंड में भी आप 0 नहीं डालें, कैश इन हैंड में आपके पास जितना कैश पड़ा है वो डाल दो, नहीं तो 15,000-20,000 कुछ भी एक अमाउंट डाल दो। ये हो गया, ऐड पे करना है, यहाँ पर आपको देख लेना है जो आपने डाला वो सही दिख रहा है, गलत दिख रहा है तो वापस से एडिट कर दो यहाँ पर बस। इसके अलावा एग्जेम्प्ट इनकम का ऑप्शन होता है, अगर आपकी कोई इनकम फ्री है जो इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, फैमिली में एक दूसरे को पैसा देते हैं, आपके पेरेंट्स से आपको पैसा मिला हो, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको पैसा दिया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एनी अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बता देना है किस तरीके से आपको गिफ्ट बता देना, जैसे कि आपके पेरेंट ने आपको गिफ्ट दिया, गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स, यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है। अगर आपके पेरेंट्स ने 1 लाख रुपये गिफ्ट दिया है तो ये ऐड कर देंगे, ये एग्जेम्प्ट इनकम हो गई। ये एग्जेम्प्ट इनकम कुछ भी नहीं है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको दिखानी जरूरी होती है, अगर आपको पैसा मिला है तो, आपके बैंक अकाउंट में आपके पेरेंट्स से 5 लाख रुपये ट्रांसफ़र हुए,
वैसे तो वो टैक्स फ्री है, तो वो डिटेल दिखानी जरूरी होती है, उसके लिए अपन को ये डाल दिया। ये हो गया टोटल डिडक्शन में अपन कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे, नो, अपन न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, जब भी अपने को 7 लाख का ऑप्शन मिल रहा है उसके बाद में ये आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है, कन्फर्म करेंगे। फिर टैक्स पेड में यहाँ पर अगर आपका कोई TDS कट गया है तो वो यहाँ पर डाल देना, उसकी बात अपन ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके TDS के रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो हमने दूसरा वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो देख सकते हैं। अब अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, आपके केस में TDS जीरो ही होगा, अगर कोई TDS दिखता है तो आपको कंटिन्यू कर देना है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। टैक्स लाइबिलिटी, अब टैक्स अपना बता देगा कितना बनेगा। देखिए 6,91,500 रुपये की अपन ITR फाइल कर रहे हैं और अपना टैक्स जीरो आ रहा है, कोई भी अपने को टैक्स पे नहीं करना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे 3,000 रुपये का रिफंड है, क्योंकि 3,000 रुपये अपना टैक्स कटा हुआ था तो वो अपने को यहाँ से वापस मिल जाएगा। प्रीव्यू रिटर्न पे करेंगे और अपने को ये रिटर्न जो है वो सबमिट कर देनी है। यहाँ पर आपका फॉर्म आ जाएगा और आपकी ITR जो है वो सबमिट हो जाएगी, आपको केवल बस यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। अब लास्ट में आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेट करना है, या आपकी ITR सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में लास्ट स्टेप होता है ई वेरीफाई करने का, जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई नाउ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आधार OTP से अपनी ITR को वेरीफाई कर देना है। और आपके सामने ये जो PDF है ना, ये PDF आ जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लें और यही आपकी ITR होती है, इसको संभाल के रखें। अब देखिए 6,91,000 रुपये की ITR मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने बना के दिखा दी, तो इसी तरह से आप भी अपनी ITR 7 लाख रुपये के अंदर तक की फ्री ऑफ कॉस्ट अब बना सकते हैं बिना किसी को कोई भी पैसा दिए। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई हो, हमारे थ्रू आपको ITR फाइल करवानी हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आपको लिंक पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का पेज ओपन होएगा जहां से आप हमारे थ्रू ITR फाइल करवा सकते हैं। खुद से करना चाहिए, देखिए हमने आपको पूरी तरह से इजी वर्ड्स में बताने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है या उनको हमारे थ्रू फाइल करवानी है तो ही बुक करें। यहाँ पर आपको देखिए ITR 1 फाइल करवानी है, तो जैसा कि बताया सैलरी के लिए तो 1 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, अगर आपको ITR 4 फाइल करवानी है तो ITR 4 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अभी के लिए 1 और 4 फाइल करना ही चाहिए, 2 ITR भी ऑप्शन इनेबल हो चुका है लेकिन 2 आपके लिए नहीं है। 2 अगर आपको फाइल करनी है तो उसके लिए आपका शेयर मार्केट का कोई प्रॉफिट हो, आपने बीच में कोई कंपनी चेंज करी हो तो उसके लिए होता है। अगर आपको फाइल करवाना है जो भी ऑप्शन, अगर आपको 3 ITR फाइल करवानी है तो अभी इनेबल नहीं हुआ है, जब इनेबल हो जाए तो आप फाइल करवा सकते हैं। आपको जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको हमारी टीम की तरफ से कॉन्टैक्ट किया जाएगा, ये मोबाइल नंबर आपको भी दिख जाएगा, पेमेंट करने के बाद में ये मोबाइल नंबर आपके सामने आ जाएगा, आप वहाँ से हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।